पंजाब सरकार की नवी कैबिनेट विच सीनियर विधायकों नज़रअंदाज़ किए जाने तो बाद कांग्रसी वर्करां दा रोस सतमें आसमान ते है। लुधियाना उत्तरी तो सीनियर कांग्रसी नेता ते 6 बार विधायक रहे राकेश पांडे नूं मंत्रीमंडल भी शामिल ना किए जाने खिलाफ़ रोस प्रगटाते हुए लुधियाना के शौनी मोहल्ला विखे SC डिपार्टमेंट पंजाब कांग्रेस के कन्वीनर दीपक हंस की अगवाई हेठ पार्टी वर्करां वल्लों रोस प्रदर्शन किया गया। पत्रकारां नाल गलबात करदिआं दीपक हंस ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वालों पंजाब सरकार के नवें मंत्रीमंडल लई लुधियाना तो सीनियर नेता ते 6 बार विधायक बनने वाले राकेश पांडे नूं नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्हां कहा कि राकेश पांडे एक ईमानदार ते मेहनती विधायक हैं ते देश लई उन्हां दे परिवारां ने अपनियां जानां वारियां हन। उन्हां कहा कि राकेश पांडे नूं उन्हां दा बनदा सत्कार मिलना चाहीदा है। हालांकि उन्हां लुधियाना तो मंत्री भारत भूषण आशू नूं मुड़ तो मंत्री बनाए जाण दा भी स्वागत किया। उन्हां पार्टी हाईकमांड पासों मंग की कि राकेश पांडे नूं मंत्रीमंडल भी शामिल किया जाए। उन्हां कहा कि जेकर पार्टी हाईकमांड ने उन्हां दी इस मंग नूं पूरा ना किया तां उह चंडीगढ़ स्थित पार्टी के मुख दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन करनगे ते इसका खमियाजा पार्टी नूं आने वाली विधानसभा दीआं चोणां विच भुगतना पवेगा। अज इकट्ठे तद होए हैं MLA श्री राकेश पांडे जी नूं पार्टी वालों ही 6 बार जितते वो इग्नोर किया जा रहा, मंत्री पद नहीं दिता। इस विषय से सारे वर्कर साथी अज इकट्ठे हुए हैं ते रोस पाया जा रहा काफ़ी। हाँ जी, काफ़ी रोस पाया जा रहा जी वर्करा च, कांग्रेस के जोड़े वर्कर साथी है उन्होंने काफ़ी रोस पाया जा रहा। हर वर्कर पूछ रहा कि इन्हों जे बजुर्ग से उन्होंने आज़ादी की लड़ाई देश को आज़ाद करने आज़ाद करवाने लिए शहीदियाँ पाइया वा। तुसी जानते ही हो जोगिंद्रपाल पांडे जी नूं शहीद होया, वो भी शहीद परिवार चो आ। फिर आपां नूं सारिआं नूं पता वा कि 6 बार उन्होंने पूरे पोलिटिकल कैरियर दे विच एक भी दाग नहीं हैगा उन्होंने, तो इदां दे जिहड़े साफ छवी वाले लीडर है उन्होंने क्यों इग्नोर किया जा रहा। असीं नहीं कहिंदे कि लुधियाने तो देखो भारत भूषण आशू जी आ, वह भी साढ़े सत्कारयोग ने, साढ़े MLA आ, उन्होंने जे बनाया तो वधिया गल है, वह भी बहुत वधिया गल है। पर लुधियाने च 2 भी लाए जा सकते सके जी, क्यों नहीं लाए जा रहे? मजबूरी है पार्टी या गुटबाजी भी चलती जी? गुटबाजी कितने कैप्टन दे बंदे जा कुछ किया जा रहा, कैप्टन से तो विवाद चलता पे। देखो गुटबाजी तो हूँ उपर पता ना जी, उन्होंने जेडे हाईकमान वो देखते दे होने गुटबाजी, पर वर्कर च तो कोई गुटबाजी नहीं हैगी। असी तो सारे असी कांग्रेस लिए काम करते हैं, कांग्रेस के वर्कर हैं, असी तो कांग्रेस लिए काम करते हैं। जे सानू कोई दिक्कत लगूंगी कांग्रेस हाईकमान ही दसांगे। नहीं तो की लगता है अगे जिमें बार बार मामले सामने आए हैं, कई होर मंत्रियों वालों विरोध किया गया, एक मंत्री जे विरोध भी हो रहा है, तो लगता है कि अजे हालात का खामियाजा चोणों भी सामने आ सकता है कि नज़रअंदाज करना सीनियर आगू। देखो सीनियर नू नज़रअंदाज जिहड़ा किया जा रहा उहदा तां खामियाजा तां आपां नू भुगतना ही पऊंगा ना जी। जी 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 ठीक है ना, तो ये आपां नू तैयार रहना चाहिए वा। जे आपां सीनियर नू इग्नोर करांगे तो वो ठीक नहीं हैगा। सीनियर तो जूनियर मिला के चलना चाहिए वा, जिहड़ा यूथ है उन्हों नाल लैके चलना चाहिए। पर सानू तो बार बार आही हुंदा वा कि गलत होया जिहड़ा 6-6 बार विधायक ने उन्हां नू नज़रअंदाज करना, आ ठीक नहीं हैगा।